मुझे जनता के विभिन्न वर्गों से डेढ़ों प्रश्न और प्रतिनिधित्व प्राप्त किए हैं। राज्यपाल बंगाल में वर्तमान संकट को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करेंगे? मैं भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, मैं बंगाल के लोगों के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, मैं आधिकार आक्रोश के पीड़ित माता पिता के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। मेरे आकलन में, समाज के आकलन में सरकार अपने कर्तव्य में विफल रही है। कौन से कर्तव्य में? माता पिता और समाज की भावनाओं को शांत करने के लिए कर्तव्य में। गृह मंत्री कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल हुआ है। राज्य में कानून का शासन सुनिश्चित करने में विफल हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री बुरी तरह विफल हुआ है। राज्य में चिकित्सा प्रणाली के खस्ता हाल को रोकने में विफल हुआ है। यह एक विडंबना है कि स्वास्थ्य मंत्री गृह मंत्री मुख्यमंत्री सुरक्षा करने के बजाय विरोध कर रहे हैं। बंगाल की लेडी मकबत कौन है? शेक्सपियर की लेडी मकबत। कहा जाता है कि अरब के सारे इत्र इस छोटे से हाथ को मीठा नहीं कर सकते। बंगाल की लेडी मकबत हुगली का सारा पानी इस गंदे हाथ को साफ नहीं कर सकता। सड़क पर हिंसा है, घर में हिंसा है, कैंपस में हिंसा है, अस्पताल में हिंसा है, गांवों में हिंसा है, शहरों में हिंसा है, हर जगह हिंसा है और लोगों को चुप करा दिया जाए। चुप बहुमत लोकतंत्र का हिस्सा है, चुप करवाना नहीं। याद रखेंगे कि चुप्पी भी हिंसा है। लोग पूछ रहे हैं कि हम संरक्षक की रक्षा कौन करेगा? Who will guard the guardians? कौन सा उल्टा पुल्टा बनाना रिपब्लिक है आज का बंगाल? जिम्मेदारी कहीं खत्म होनी चाहिए, जिम्मेदारी कहीं खत्म होगी? अब यह जटिल और भ्रमित करने वाली स्थिति है। हमारे लिए क्या रास्ता हो खुला है? जब तक बंगाल के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए कार्यवाही नहीं हो जाती, जब तक लोगों को यकीन नहीं हो जाता है कि न्याय हुआ है, मैं राज्यपाल तौर पर इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए मैं संकल्प लेता हूं कि मैं मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्करण करूंगा, सामाजिक बहिष्करण, सोशल बॉयकॉट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। The Premier Lifestyle for the Premium 51, 3, 4 and 5 BHK apartments. For queries, call +91 9733 9970. सामाजिक बहिष्करण का मतलब क्या है? मैं मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करूंगा। मैं किसी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हो। राज्यपाल के रूप में मेरी भूमिका संवैधानिक दायित्वों तक की सीमित रहेगी, जिसका निर्वहन मुझे मुख्यमंत्री के संबंध में करना है। ज्यादा नहीं, कम नहीं, नथिंग मोर नथिंग लेस, बस एक औपचारिक संबंध, केवल औपचारिक संबंध।
आखिरी में मुझे इस बात से बहुत बहुत दुख है, कोलकाता में अपराधी को रोकने वाले सर्वोच्च अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वो कलकत्ता पुलिस कमिश्नर है, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर। प्रिया दिवंगत के माता पिता पहले ही कह चुके थे, उन्होंने न केवल राज्यपाल को बल्कि मुख्यमंत्री को भी अपराध स्थल पर पुलिस कमिश्नर की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में लिखा है। उन्हें विश्वास है कि वो सबूत मिटाने में सक्रिय रूप से शामिल थे, सबूत मिटाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। अब एक विशेष अधिकारी, क्योंकि वो दागी है, स्वतंत्रता दिवस के औपचारिक अवसर पर राजभवन में आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन वो गेट क्रॉस कर गया, जो लीगल एक्सपर्ट्स के अनुसार अपराधिक है, अपराधिक आरजी कर अपराध में। उनकी मिलीभगत के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही करने की लोकप्रिय मांग थी। मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी यह मामला लाया गया है, मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब कानून के अनुसार पुलिस कमिश्नर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही होगा। डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड का खेल, डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड का खेल कौन खेल रहा है? लोग जानते हैं कि कौन कौन है। आईपीएस की टोपी पहनी और इस तरह का व्यवहार करो, कृष्ण के रूप में आना, कंस के रूप में करना, क्या आपको शर्म नहीं आती? मिस्टर कमिश्नर,